अरे यार हम बोलता हमको भूखे ही नहीं है, रोटी खाना ही नहीं हमको, जबरदस्ती नहीं तो जबरदस्ती हमारे मुंह में बुरकी ठोस रहा है वो आता। अरे भाइयों बहनों आप मेरे हो, आपके लिए जो मैंने किया उसको मैं ये वापस करता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। ये जैसे बुजुर्ग मेरे बाप रिश्तवाड़ी ने ऐसा इनकी दो है ना इसको पकड़ पकड़ के, क्या तुम मोदी गोदी मीडिया लगा रहे हो, क्या मोदी गोदी है, क्या क्या कर रहे हो मेरे को, अभी जब क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा चैनल निष्पक्षता की बुनियाद पे खबर दिखाता है, हम लोग गोदी मीडिया नहीं है। नहीं मैं चकाचौंध वाली मीडिया, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने आपको बोल रहा हूँ कि रवीश कुमार जी एनडीटीवी वाले ने उनको दो दिया। हाँ यहाँ पर प्रदर्शनकारी किसान पिछले एक महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार इनके पीछे संवेदनशील नहीं है। हमारे साथ कुछ युवा लोग जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी राय है, कब तक ये यहाँ डटे रहेंगे, आगे की इनकी क्या रणनीति होगी। आप कहाँ से हैं और नाम क्या है? मैं नाम गुरजीत सिंह है जी। कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट पटियाला पिंड सराला कलां। कब आए थे आप? सानू हो गया जी महीना हो गया थी बैठे, एक महीना से यहीं पर। हाँ जी हाँ, ट्रालियाँ इतने खड़ियाँ, सारे लोग मतलब आले दुआले तो आए हुए हैं, आई जाई जाते हैं, जिमें घर काम हों चार बंदे आ जाते हैं, चार चले जाते हैं, एवं बारियां बनिया हुई। पिछे बजुर्ग देख लो बैठे आ, कल आए थे दो चार दिन रह के, इन्होंने तुर जाना, होर पब्लिक ने आ जाना, ज्यादा ही आने घट नहीं आने। तो आपका पैसा आप करते क्या है? ट्रांसपोर्ट है मेरे। ट्रांसपोर्ट हाँ जी हाँ। तो यहाँ पर किसानों का आंदोलन है। हाँ जी हाँ जी। तो आप इसको मैं किसान भी हूँ। किसान भी हूँ मैं। आप भी किसान? हाँ जी हाँ। तो इतने एक महीने से आप लोग यहाँ पर धैर्य से बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही। हाँ जी। तो जो मजबूत सत्ता पक्ष होता है उसका यही मानना था कि इतने दिनों तक आप लोगों को इंतजार करा दिया जाएगा तो आप लोगों का हौसला टूट जाएगा। नहीं नहीं, हौसला नहीं टूटता, हौसला बढ़ रहा है, हौसला साडा बढ़ रहा है, टूटता नहीं साडा, नहीं टूटता। क्या रणनीति आगे की? रणनीति तो जेडे बड़े ऑर्डर लाउणगे भी भाई आ काम करना, इत्थे बैठे हां शांतमई माहौल आ, कोई हुल्लड़बाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम नाल बैठे हैं। जो मंत्री हैं देश के वो बोल रहे हैं कि जो किसान बिल है, जो किसान कानून है, वो किसान के हित के लिए, आप लोगों के लिए सौगात है। हित लई तो है ही नहीं बिरे, हित लई तुसी दस दो, तुसी आप सियाणे हो, तुसी इंटरव्यू लेके आ रहे हो, किसे तो सुनिया होगा भी हाँ भी ये किसान लई हैगा, ठीक है, दस दो इन्हें इंटरव्यू लेके आए हो, साडे हितां लई हुंदा, असीं खुश होंदे उस बिल नूं देख के, जे साडे हितां लई है ही नहीं, असीं खुश नहीं हैगे बिल नूं देख के, फिर प्रधानमंत्री रद्द कर देना, जे असीं आप नहीं खुश हैगे फिर क्यों साडे लई लागू कर रहे हो, जे असीं खुश होंदे असीं आप लंदे, उन्हां नूं कहंदे वी आसां। आरोप लगाया जाता है कि बाहर से कनाडा से आप लोगों को फंड किया जा रहा है, खालिस्तानी संगठन को। पंजाबियों नूं कदे वी फंड देण दी लोड़ नहीं पैंदी, ना असीं किसे तों मंगिया कदे, ना किसे अगे हत्थ अड्डे, ठीक है। बाबे नानक दा लंगर चलाया होया पूरी दुनिया च चल रहा है, ते इदां ही चलदा रहूगा, ये लंगर कदे नहीं मुकना, ना किसी नूं, सानूं इत्थे असीं अपने हक्कां लई बैठे हाँ, साडे आप दे लंगर चलाए हुए ने, ठीक है, ना असीं तुसीं देखिया वी असीं किसी कोलों मंग रहे हां जां किसी कोल मंगिया खड़ के, किसी कोल नहीं मंगिया ना, बाबे नानक दा लंगर है वीरे, इदां ही चलदा रहूगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बोलता है कि खालिस्तानी लोग इसके आड़ में, खालिस्तानी लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई खालिस्तानी नहीं है, ये भड़काया जा रहा है एक, ठीक है ना, भड़काउण लगे हुए हैं भी लोग भड़कन, ठीक है ना, ये अपने माहौल तो भड़क जाण, तो जिहड़ा ये साडा अंदोलन है भी इन्हां दा शांतमई अंदोलन ना चल सके। सरदार जी ये मेरा मोटरसाइकिल है, आप बढ़िया बैठिए, यहाँ बैठिए। पहले मैं अपने कहाँ से आए, आप बताइए कहाँ से आए? मैं फतेहगढ़ साहब, जहाँ बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजरी जी का आज शहीदी दिन मनाए जा रहे हैं, मैं वहाँ से श्रद्धा के पेंट फुल पेंट करने के लिए जो 40 किसान हमारे शहीद हुए हैं उसके लिए सहानुभूति दिखाने, उनके परिवार के लिए और श्रद्धा के फुल पेंट करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर सिर्फ बनियान में आया हूँ। आपने वीडियो वायरल देखा, बनियान में आया इतनी ठंड में? ये मोटरसाइकिल देखा हो आपने, बनियान पूरी इतनी ठंड में, ये संवेदना श्रद्धांजलि देने के लिए जो 40 हमारे जो किसान भाई हैं, सिख भाई हैं, वो शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बाइक पर आए हैं सर्द में। ये 2 लाख की बाइक लेके मैं 2.5 लाख की बाइक लेके
यहाँ से ना मेरे को किसी ने फंडिंग दी है, ना किसी ने मेरे को पैसा दिया, ना किसी से मैं मांगा है, अपनी जेब से खर्च के आया हूँ। अभी यहाँ भी आके दान किया है, चप्पलें भी लोगों को दान किए हैं, मैंने टॉवल भी दान किया है, जो भी मेरे से कहा उग्रहा जो है उनको भी मैंने। जो इतने लोकतांत्रिक इतने डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके बाद भी सरकार बोल रही है कि आप लोगों को फंडिंग की जा रही है। हाँ, फंडिंग को गवर्नमेंट को अडवानी जो अडानी अडवानी कर रहे हैं कि उनके लिए प्लीज बोलो, हम तो मारे गए, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, इनको बोलो कि खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, देखो खालिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, वो खालिस्तानी है, कोई अगर खालिस्तानी है तो पकड़ के क्यों नहीं अंदर करते हैं? किसानों का आंदोलन है, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई खालिस्तानी है यहाँ पे। मतलब जो जो मीडिया होता है चार थम्भों में से एक होता, अगर वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना चाहता है, जैसे आजकल इंडिया के इंटरनेशनल फोरम पे आप देखेंगे तो आपको इंडिया के जो इंडिया का मीडिया का इतना जय जयकार हो रहा है, आप सबको पता है। हाँ, इसके लिए जो अच्छा मीडिया काम कर रहे हैं उसको हम सैल्यूट करते हैं। एनडीटीवी में जोर तक कहूंगा, मिस्टर रवीश तिवाड़ी ने ऐसा इनकी दो है ना इसको पकड़ पकड़ के, क्या तुम मोदी गोदी मीडिया लगा रहे हो, क्या मोदी गोदी है, क्या क्या कर रहे हो, मेरे को अभी जब क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा चैनल निष्पक्षता की बुनियाद पे खबर दिखाता है, हम लोग गोदी मीडिया नहीं है। नहीं, मैं मीडिया आप, चकाचौंध वाली मीडिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोदी मीडिया ना, मैंने आपको बोल रहा हूँ कि रवीश कुमार जी एनडीटीवी वाले ने उनको दो दिया। हाँ, जो एंटी किसान है, एंटी किसान है उनको दो। हाँ, वो बोल रहे हैं के किसानों की 5-6 मीटिंग हो चुकी हैं, ये तो खालिस्तानी है, ये शाहीनबाग से आई है, दादी आई है वहाँ से, उसको 100-100 रुपए में लेकर आई है, कंगना रनौत बोलती है। हम जिसको नहीं भी सिर्फ पता ना, नाउ वी आर गोइंग टू बी। अच्छा, आप लोगों के साथ महिलाएं भी आई हैं बहुत ज्यादा, एक महीने से हैं यहाँ पर रोड पर हैं, बहुत सारी समस्या भी हो रही होगी। हाँ, लेकिन कंगना रनौत जैसे जो सेलिब्रिटी हैं वो बोलते हैं कि इनको 100 रुपए दिहाड़ी दिया गया। हाँ, मेरे को तो किसी के दिहाड़ी नहीं दिया, हम तो पैसे पल्ले से खर्च के जा रहे हैं, है ना। इन बाबों को पूछो तो प्रधानमंत्री जो मन की बात करते हैं बोलते हैं किसान संतुष्ट है, मन की बात कर सुनता है मेरा, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर मैं ये बोलता है ना बाहर से फंडिंग आती है, अगर बाहर होता ना ये बाहर का कहीं, मैं उसकी बात पे आता हूँ। अगर इसमें सहानुभूति होती, थोड़ा सा मादा होता कि मैं इंसान हूँ, तो ये जैसे 90 साल का जब पता लगा था बंदे पड़े हैं, 70 साल का बुजुर्ग है संतोष सिंह, उसके यहाँ पे 3 टांके लगे हैं, बुलेट जब लगी वहाँ से यहाँ या बॉर्डर के ऊपर, है ना। अगर इसमें सहानुभूति होती जहाँ आता, अरे भाइयों बहनों आप मेरे हो, आपके लिए जो मैंने किया उसको मैं ये वापस करता हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ, ये जैसे बुजुर्ग मेरे बाप जैसे हैं, इनके ऊपर ये सट लगी है, ये बाप कम से कम 70-80 साल के ये होंगे, है ना, 52 साल का मैं भी हूँ, फिर मेरे को ये दिखाना पड़ा। अब मेरी वीडियो मैं तो वायरल नहीं कर रहा, लोग कर रहे हैं ना, इसका मतलब मेरी वोटिंग ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं एक इंसान के रूप में आया हूँ यहाँ पे, मेरे को ना किसी ने पाकिस्तानी पढ़ने की, आपको कोई सहानुभूति नहीं दिखा रही है। जिमें कहते हैं भी प्रधानमंत्री जिमें वीडियो कॉल राही जो उन्होंने डर लगता, वो वीडियो कॉल जी जथेबंदियों ने उन्होंने वीडियो कॉल राही वह गलबात कर सकते, उन्हें तो वह गल भी नहीं करी हले तक, जोड़े मेन नुमाइंदे उन्होंने वीडियो कॉल राही वह गलबात कुत्ता रखे, कुत्ता सुने किसी बंदे की, वह तो सुन ही नहीं रहा, आले दुआले फिरी जा रहा वो भी गलबात तो करे, मन की बात कि करूगा, वह मन की बात तो साढ़े ना करूगा। अपना हिंदुस्तान का 9 करोड़ रुपया जाता है हरेक महीने, मन की बात में 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का टैक्स जो हमारा है वो खा रहा है चोर। हाँ, प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि मन की बात के जरिए, मन की बात से ही 9 करोड़ रुपया खर्च होता है। अच्छा, सिर्फ मन की बात में तो वो बोलते हैं कि आप लोगों को जो कानून दिया है वो आप लोगों को सौगात दिया है, वो कानून हमने तो मांगा ही नहीं, आपने मांगा ही नहीं, तो हमको तोहफे में दे रहा है। तो प्रधानमंत्री अभी बोल रहे थे कि जो अलग दूसरे जगह के जो किसान है, दूसरे क्षेत्र के किसान है, यार ये प्रधानमंत्री तो ऐसा है इसका गिन्नी बुक में रिकॉर्ड बनेगा, किस चीज का, छित्र खाने का, गाली खाने का, छित्र खाने का। अच्छा, हाँ, गिन्नी बुक में नोट होगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जितना इसको जूता पड़ा है किसी प्रधानमंत्री को नहीं पड़ा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम जलंधर से।
अच्छा, जलंधर से आप पिछले एक महीने से यहीं पर? हाँ, तो एक महीने 27 तारीख से ये ट्राली लगाया हमने। एक महीने से आप लोग यहाँ पर टेंट तंबू में रह रहे हैं, ट्राली में? किस तरह की दिक्कतों का सामना? कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत सानू कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आपके आगे की रणनीति क्या? क्योंकि वो आगे आगे की रणनीति हमारा जथेबंदी जो बोलेगा उसी का हिसाब से चलेगा, उसी के हिसाब से। हाँ, जो हमारा आगू बोलेगा उसी हिसाब से चलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के जितने भी लोग हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री, सब बोलते हैं किसान का बेटा है, आपको गरीब है। हम आपको बता रहे हैं 25 लाख रुपया डेली का खर्चा है प्रधानमंत्री का। 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हिंदुस्तान का लुटा रहा है डेली। किस चीज में? फ्लाइट में, फ्लाइट में घूमने के लिए। ये प्रधानमंत्री थोड़ी है, ये तो मुल्क को बेच दिया है। तो वो जो बाहर घूमने जाते हैं, आप लोगों से कभी मिलने का कोई वो मतलब ही नहीं? उसको तो खाली अडानी अंबानी दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ उद्योगपति दिख रहा। हाँ, वो ही दिख रहा है, उसी का सोच रहा है, सब कुछ उसी का बना रहा है, सब कुछ उसी का बना, उसी का। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैंने बोलो जवानों, बोलना सीखो। आप युवा बोलो, माड़े मोटे बोलूंगे तो कभी गड्डी चलू। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए आपके। तो आप क्या यहाँ पर पाए कि इतने दिनों से ये जो बुजुर्ग किसान लोग हैं यहाँ ठंड में समर्थन कर रहे हैं, इनके साथ ही खड़े हैं वहाँ के यहाँ पे। वो हमारे बच्चे, ये हमारे साथ ही रहेंगे। पहले ये लोग को मालूम नहीं था, हम लोग 1993 से रौला डंडोरा पीट रहे हैं। ये नीति लागू हो जाएगा, नीति लागू हो गया तो सब मरा जाएगा। एक खाली किसान नहीं मरेगा, कोई व्यापार नहीं बचेगा, कोई लेबर वाला नहीं बचेगा, छोटा उद्योगपति नहीं बचेगा, सब खत्म। तो सरकार कह रही है कि आप लोग बातचीत का रास्ता, वो बातचीत तो यहाँ तक आ गया है, खाली ऑर्डिनेंस वापस मत करो। हमारा मुझ का सवाल है, ऑर्डिनेंस में जो भी लिखा हुआ है सब बाहर काट देते हैं, निकाल देते हैं। तुम जो बोलते हैं हम लिख देंगे, लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। अच्छा, वो जो ऑर्डिनेंस है वो हम बोलता है यस नो, बस हाँ या ना, पार दो इसको, जो हम बोलेंगे वो लिखा। लेकिन वो बोलता है ऑर्डिनेंस को डब्बा छोड़ दो। अरे डब्बा जहर है, उसका एक किनार दही इतना होता है, कितना पतीला दूध का, उसको जमण लगा देता है। तो वो जब डब्बा ही जहर वाला है उसमें, तो फिर वो जहर जहर लग जाएगा, वो फिर उसको छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप लोग इतने दिनों से बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली जाने की क्या रणनीति है? दिल्ली क्यों नहीं जाते? आप राजधानी क्यों नहीं जाते? ए, मेरी गल सुनो, ये अधिकार है हमारा, राइट है, असि संघर्ष कर सकते, रोड जाम कर सकते, सब कुछ कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहता किसानों नु नहीं उठाला गए, नहीं उठे सर। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, हाँ, लेकिन सरकार आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। सरकार तो है चोर, चोर है वो तो, चोर ही है। हम बोलता हमको भूखे ही नहीं है, रोटी खाना ही नहीं हमको, जबरदस्ती नहीं तो जबरदस्ती हमारे मुंह में बुरकी ठोस रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ किसानों में बहुत आक्रोश का माहौल है। इनका सरल और स्पष्ट शब्दों में यही मानना है कि सरकार इस कानून को वापस ले, इससे कम इन्हें कुछ मंजूर नहीं होगा, लेना ही पड़ेगा। और जब तक वो कानून को वापस नहीं लेती, वो तब तक यहाँ पर इसी तरह इसी सर्द मौसम में अपने अनुसार यहाँ पर डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, चाहे। और लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी किसान भाई हैं, हम लोगों ने एक रिटायर्ड फौजी थे जिन्होंने 65 के युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, तो उनसे भी बात की है। यहाँ पर जितने भी किसान हैं, इनमें से कोई ऐसा किसान नहीं है जो खालिस्तानी संगठन का समर्थन करता हो। इसके बावजूद सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इनके बातों के प्रति उदासीन नजर आ रही है। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इनकी क्या रणनीति होगी, सरकारी पक्ष से क्या बातचीत होती है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए नवभारत टुडे। नमस्कार।